अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल चिकन हाउस। आज दोबारा हम अपने परिंदों के पास आए हैं। शाम का टाइम हो गया है, सफाई वगैरह तो खैर ओके है। इनको अब देते हैं, पहले पानी देते हैं इन्हें, गर्मी काफ़ी है, पहले इनको पानी पिलाते हैं और फिर आपको हम बताते हैं कि आज हम इन्हें क्या देने वाले हैं। इसमें ना आज हम ना रानी खेत के कतरे हैं एंडी सेफ, ये ऐड कर देते हैं एहतियातन। वैसे तो खैर इन्हें कोई मसला नहीं है फ़िलहाल, फिर भी हफ्ते में एक दफ़ा दो दफ़ा ये दे देने चाहिए। इसमें ना हम ड्रॉप्स ऐड कर देते हैं पानी में। ये लें जी, ड्रॉप्स ऐड कर दिए हमने। ये लें जी, आओ भाई सारे पानी पियो। साइड पे ईंटे लगा देते हैं यार, ये पानी अक्सर गिरा देते हैं। ये लो जी पानी पियो। और अब हम इनके लिए ना लेके आते हैं आज ग्रीन फूड। तो एक साथ में आपको ना आज अपना इर्द गिर्द वाला एरिया थोड़ा विज़िट करवाता हूँ, थोड़ा देहात टाइप है तो इसलिए हम इनके लिए ना वहाँ से थोड़ा ग्रीन फूड लेके आते हैं, तो आपको दिखाते हैं आज हम। सब्ज़ा वगैरह ना इनके लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। ये इसको हम बखड़ा बोलते हैं, इसके साथ ये कांटे टाइप लगा होता है, ये कांटे होते हैं छोटे छोटे। थोड़ा सा हम इनके लिए ना ये बखड़ा ले लेते हैं, थोड़े से इनके लिए ना हम नीम के पत्ते ले लेते हैं। नीम के पत्ते भी अच्छा एंटीबायोटिक होता है और डिवर्मिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है बर्ड्स की, ये खा के इनका हर चीज़ मतलब कि डिवर्मिंग वगैरह खुद ही हो जाएगी, पोटा वगैरह साफ़ हो जाएगा इनका बिल्कुल। साथ हम इनके लिए लेते हैं यहाँ से शहतूत के पत्ते तोड़ लेते हैं थोड़े से। और बेशक आप जो है ये ज़मीनी घास ये भी बड़े शौक से खा लेती हैं, ज़मीनी घास बेशक ले लें आप, ये भी इनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ले जी हम ले हैं इनके लिए बखड़ा है, नीम के पत्ते हैं, शहतूत के पत्ते हैं, तो ये बड़े शौक से खाएंगी अब। इसमें मतलब कि ना इनके लिए विटामिन ई काफ़ी मकदार में होता है, जो इनकी स्किन के लिए इनके बालों के लिए बड़ा अच्छा होता है। उसके अलावा इनका इम्यून सिस्टम काफ़ी अच्छा हो जाता है। विटामिन ए की इसकी इसके अंदर काफ़ी मकदार होती है। और दूसरी बात यह है कि ये जो गांव वगैरह होता है वहाँ पे भैंसें वगैरह होती हैं, डेरा टाइप जो होता है वहाँ पे मुर्गियाँ रखी होती हैं, ये भैंसों का चारा बड़े शौक से खाती हैं। तो आप जो है इनको मतलब कि हर परिंदे की अपनी अपनी नेचर होती है, तो इस वजह से ना इनको वैसा माहौल देने के लिए कुछ दिनों बाद पत्ते चारा बरसीन जो होता है वो बहुत शौक से खाती हैं, ठीक है। उसके अलावा जो चरी जिसे कहते हैं उसके पत्ते भी खा जाती हैं, नीम शहतूत और बखड़ा। ये बखड़ा बड़ा ताकतवर होता है, ये वैसे तो इंसान भी मतलब के इंसानों के लिए बड़ा मुफीद है, बना के खाते हैं इसे लोग, तो मुर्गियों को भी दें अपनी, इससे काफ़ी फ़ायदा होगा आपको। और इसके अलावा अब हम इन्हें ये खा लेंगी तो इसके बाद हम इन्हें फीड वगैरह भी देंगे, लेकिन पहले भी इनका पोटा खा लिया है तो पहले ही जितना ये खा सकती हैं ये ग्रीन फूड खा लें, उसके बाद हम इन्हें जो है ना फीड वगैरह देंगे। अच्छा जी,